धबते। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के फतेह। परम सत्कार योग गुरु स्वरूप, गुरु सवारे, गुरु प्यारे, सतगुरां दे साजे नवाजे, गुरु का खालसा, साध संगत माई भाई जीओ, धन हन कलगीधर साहिब सचे पातशाह महाराज, जो दीन बंधु हैं, गरीबां दे मित्र हैं, अनाथां नूं गल ना लाउण वाले पदत पावन हैं, रुलदे फिरदे धक्के खांदियां नूं राज भाग दियां बख्शां करन वाले सचे पातशाह महाराज, ऐसे गरीब नवाज लोक अते परलोक दे विच बांह फड़न वाले, लोक अते परलोक दे विच अपने प्यारियां दी पत रखण वाले सचे पातशाह महाराज, जिन्हां गुरां दा किन्ने वड्डे परवकार है, किन्ने गुण है, कहे ही नहीं जा सकते, बेअंत तो बेअंत हन, तेरे गुण बहुते मैं एक न जाणिया। धन कलगीधर पातशाह महाराज बेपरवाह अथा समुंदर गुणा दे परवकारां दी गिणती करन तो उपर ऐसे सतगुरां दी महान कृपा हो रही है, जो सच्चे पातशाह महाराज की दया का सदका हजूर दे पावन पवित्र चरणा विच बैठण दा, सोहणे दर्शन करन दा सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। ये भी संगत जी कलगीधर पिता जी का एक परोपकार ही है, जिहदे उत्ते मेहर करदे है सच्चे पातशाह महाराज, अपने जान के दया करदे है, उन्हां गुरसिखां नूं अपने चरणां विच बैठण दा सोहणा सुभाग बख्शदे हन। अणगिणत ही गुरु के प्यारे देशां विदेशां दे विच हर वेले मन विच तड़प लै के रहिंदे है, कदों उह सोहणा समा आवे जद सतगुरां दे दर्शनां दा सुभाग प्राप्त होवे। पर बिन करमा किश पाईए ना ही जय बहु तेरा धावै, जिन्ना मर्जी जद सतगुरु ही कृपा करदे है तां इह करमा दी गंढ खुलदी है, सुभाग प्राप्त हुंदा है सतगुरां दे चरण परसण दा, दर्शन करन दा। आप सारियां संगतां बड़भागे हो रहे हो जो धन कलगीधर पातशाह महाराज, जिथे जुगां तक सच्चे पातशाह महाराज ने तप तपस्या कीती, उपरंत ऐसा हो अस्थान जिथे धन कलगीधर पिता जी ने सारी सृष्टि दे गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने पांच पैसे ते नारियल रख के मत्था टेक के चंदन केसर दा तिलक ला के गुरकद्दई बख्शिश कीती, समुची सिख कौम नू एक समूलचा हुक्मनामा जारी कीता, आग्या भई अकाल की तवै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ऐसा कलगीधर पातशाह महाराज दा महान महान तख्त है, जिथों की महानता भी कही नहीं जा सकती, जिवें गुरु की बेअंत लीला है, गुरां दे बेअंत कौतक हन, इस तरह इस पावन पवित्र धरती दे इस गुरां दे महान तख्त दे भी बेअंत ही साध संगत जी परोपकार, बेअंत ही ऐसे कौतक हन जो कहे ही नहीं जा सकते, बेअंत तो बेअंत। आप बड़भागे हो रहे हो सतगुरां दे पावन पवित्र चरण परस के सोहणे दर्शन करके अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हो। नितनेम की मर्यादा अनुसार सतगुरां दे दर घर तो बरोसाए हुए सिंह साहिब जी ने सच्चे पातशाह महाराज नूं देगां दे भोग लवाए है, सतगुरां दे दरबार साहिब प्रकाशमान होए है,
उपरंत नित दी मर्यादा अनुसार ही जो सतगुरां दे पावन पवित्र तख्त साहिब जी ते गुर इतिहास की कथा विचार गुरु की संगत नू सरवण करवाई जाती है उस दी आरंभता हो रही है। धन श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जो दीन दुनिया के मालक हैं लोक परलोक दे विच रक्षा करन वाले हैं सर्व पालक हैं सर्व कालक हैं सारी सृष्टि दे पालक भी है ते कालक भी है करता भी है ते हरता भी है। ऐसे गरीब नवाज पातशाह महाराज जो आप नारायण हैं कला धार जग मह परवरियो अनंग कला होए ठाकुर चढ़िया गिणतियां मिणतियां तो उपर अनेक शक्तियां दी ताकत हाथ विच लै के सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानण होवा ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। ऐसे गरीब नवाज पातशाह महाराज जिन्हां दा नाम लैने मात्र से ही सारे पापां दा नाश हो जांदा है जिन्हां सतगुरां दा नाम लैने मात्र से संसार दा कोई भी सुख इहो जिहा नहीं जिहड़ा प्राप्त ना हुंदा होवे। गुरु नानक साहब जी दा नाम लैण नाल सारियां मन दियां मुरादां पूरियां हुंदियां। ऐसे गरीब नवाज पातशाह महाराज दा पावन पवित्र इतिहास संगत जी चल रहा है। कल आप संगतां ने सरवण कीता सीगा कि श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ए रावी दरिया के किनारे ते जो करतारपुर साहब का नगर बसाया है उत्थे महाराज संगतां नूं दर्शन दे रहे हैं। करतारपुर भी कई हैं सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज का बरोसाया होया बसाया होया रावी दरिया के किनारे ते पंचम सतगुरां का बसाया होया आ जलंधर जिले के विच जी टी रोड के उपर ही अमृतसर साहब नूं जलंधरों जाइए तो पहला ही वड्डा शहर आउंदा है करतारपुर यह भी पंजवें गुरां का बसाया होया है। इत्थे सतगुरां ने गंगा के प्रवाह नूं प्रगट किया सी गुरद्वारा गंगसर सच्चे पातशाह महाराज ने मेहर की खूह लवाया वह खूह विच जल गंगा का मंगवाया सच्चे पातशाह जी ने। सो गुरु नानक पातशाह महाराज करतारपुर साहिब आ पखा बंद कर दो संगतां नूं दर्शन दे रहे हैं। धन श्री गुरु अंगद साहिब गरीब नवाज कई समय तो सतगुरां दी हजूरी विच रह के सेवा कर रहे हैं महाराज दे दर्शन कर रहे हैं। कल आप जी ने सरवण कीता सी गुरु अंगद पातशाह महाराज गुरु नानक साहब जी दी सेवा कर रहे चरण दबा रहे हैं मुठी चापी कर रहे है की देखते है महाराज के चरणों में कंडे लगे हुए है सतगुरु दियां लत्तां जिहड़ियां हन जांघां उन्हां ते कंडियां दियां झरीटां लगियां हुई खून वग रिहा विचों अर्ज कीती महाराज आप जी तां कदी कंडियां विच गए नहीं हो ये की भाणा वरतिया ये कंडे कित्थों बज गए। सच्चे पातशाह महाराज कहण लगे भाई पुरखा एक सिख है साडा अयाली बकरियां चार रहा है वह दुपहरे ही सोहले साहब का पाठ करी जा रहा है तो जिमें जिमें वह पाठ करता नाल बकरियां चारदा कंडे बहुत है झाड़ हैं झाड़ियाँ मले आदिक तो सानू उहदे नाल पहरा देना पै रहा है वो बचाओ वास्ते जो उस बकरियां चारन वाले सिख नूं कंडे लगने वो असी अपने शरीर ते खादे उन्हू बचाया है। उपरंत सतगुरां ने एक सिख नूं भेजिया जाओ फलानी जगह वो बकरियां चार रहा सिख उन्हू साडे पास लैके आवो लियांदा महाराज कहण लगे सिखा केड़ी बाणी पढ़दा सैं महाराज सोहले साहब जी दी अच्छा भाई तेनों बचाउंदिया होया असी कंडे मरवाए है अगे तो ये बाणी तुरिया फिरदिया नहीं पढ़नी है
ये बाणी का पाठ रात नूं बराजन लग्या सौण लग्या करना है। जद बाणी का पाठ गुरु का सिख करदा साढ़े पहरे वो सिख दे नाल लग जांदे। इस वास्ते सतगुरां ने कृपा कीती सी कि सोहले साहब की बाणी जिहड़ी है केवल आसन ते बैठ के बराजन लग्या सौण लग्या इहदा पाठ करना है। सोहले साहब की बाणी कल भी दास ने बेनती कीती सी जद गुरु का सिख ये बाणी पढ़ के छोटी अरदास करके बराज जांदा है ते गुरु के शहीदी पैरे सिख नाल लग जांदे हन। सो इस वास्ते सारे गुरसिखां प्रति ये हुक्म है सतगुरां दा श्री गुरु नानक साहब पातशाह महाराज दा कि ये बाणी बराजन लग्या सौण लग्या पढ़नी अति जरूरी है हर गुरसिख वास्ते। सो ये वाहिगुरु सोहले साहब जी की बाणी का महात्म दस के सच्चे पातशाह महाराज ने कृपा की सीगी। इस तो अगे का जो प्रसंग है संगत जी वो आरंभ हो रहा है। मन बिरतियां एकाग्र करके धन श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जिन्हों का अमृत इतिहास है ये जीवन सतगुरां ने जिहड़ा साढ़े वास्ते परउपकार हित मात लोग ते अवतार धारिया जिन्हें भी साढ़े मूर्खा नूं समत देण वास्ते जीवन विच कौतक कीते सानू सारी समाति बख्शी है महाराज ने। यही गुरु की सिखी की माण मर्यादा है। गरीब नवाज पातशाह महाराज की कृपा कर रहे हैं मन बिरतियां नूं एकाग्र करके सरदा भावना साहित सरवण करिए जी। वाहे गुरु जे चापे तेन मार्ग जाप इस वेद बीते। पता नहीं किधर चले गया। सतगुरु धन श्री गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी नू श्री गुरु नानक साहब गरीब नवाज जी पास रहिंदियां जद तीन साल बतीत हो गए। बाबा लहना जी गुरु अंगद साहब महाराज बड़े प्यार दे नाल गुरु नानक पातशाह महाराज के चरणों में रह के सेवा करते हैं। उन निकेत सुध लेने कारण उपरंत खडूर साहब घर की खबर लैण वास्ते आयस देने दंब बिदारन। धन गुरु नानक पातशाह महाराज ने हुक्म कीता पुरखा थोनू बहुत समा हो गया घरों आया होया नू जाओ खडूर साहब जाके घर परिवार की खबर लैवो। सुन निदेश प्रभ जाए ना मोरे। सच्चे पातशाह महाराज का हुक्म है श्री गुरु नानक साहब जी का। इस वास्ते गुरु अंगद पातशाह महाराज उस हुक्म नू मोड़ नहीं सकते हैं। बंदे पद पंकज कर जोरे। आते गुरु नानक साहब गरीब नवाज जी दे पावन पवित्र चरणा ते नमस्कार कीती। गमने उपंथ हृदय धार ध्याना। आते इस तरह गुरु अंगद पातशाह महाराज गुरु नानक साहब जी नू नमस्कार करके गुरां दे स्वरूप नू अपने हिरदे विच वसा के खडूर साहब नगर नू चाले पा दिते करतारपुर साहिब तों। मन थिर किंचित नाहे डुलाना। मन जेड़ा है वो अस्थिर है टकाओ विच है वो डोलन विच नहीं है। मन जेड़ा है सतगुरां दे चरणां दे उत्ते दृढ़ भरोसा रखदा है। क्राम कार पहुंचे खडूर मजारा। इस तरह गुरु अंगद साहब गरीब नवाज महाराज करतारपुर साहिब तो चल के खडूर साहिब पहुंच गए। प्रवेशो साधन मिलो परवारा। आते अपने घरे परिवार नू जाके मिले हन। तब सब नरन कान सुन पायो। नगर निवासियां नू इस गल दी खबर लगी। काल बीते बहु लहना आयो। के बड़ा समा हो गया है बाबा लहना जी गए सीगे महाराज गुरु नानक साहब जी दे कोल काफी लंबे समय तो बाद अपने घरे आए हुए हन। मिलन हेत मिल कर का सब हे। इस तरह जिस वेले खबर पहुंची नगर विच श्री गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे दर्शन करने वास्ते। सो जास कहत चल आए तब हे। नगर निवासी गुरां दे घरे चल के आए हन महाराज दी शोभा वड्याई करन लगे।
आदर करन नरन सब ताएं। जिन्नी भी संगत आई हुई है घर दे विच सारियां दा सत्कार कर रहे ने गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह महाराज। उठियो सो मंच पर ते अगवाए। बड़े श्रद्धा भावना दे नाल आई हुई संगत दा सत्कार करदियां होयां गुरु अंगद पातशाह महाराज पलंगे तो उठ के अगे होके मिले नगर निवासियां नू। घर सो लाए मिलो सब संगा। जो समय दा रिवाज सी मुताबक धन गुरु अंगद पातशाह महाराज हर एक दे गल लग के मिल रहे है। पेखियो नरन सुभाओ उतंगा। कटोर साहब नगर निवासियां ने देखिया भी बड़ा प्यार है महाराज दे हिरदे विच बहुत चाओ कर रहे है। हो तो सुशील चौधरी ग्राम। इस नगर दा एक चौधरी सीगा उत्तम है तख्त माल नाम। बहुत सुशील सुभा दा प्यारे सुभा दा है तख्त माले से गुरमुख दा नाम है चौधरी दा। तेन तब आए बंदना के ने। तख्त माले चौधरी ने आन के सचे पातशाह महाराज नु नमस्कार कीते। सेव निम्रता मह मात पेने। बहुत निम्र सुभा है चौधरी तख्त माल दा। सारे पिंड दा भावे चौधरी है पर निम्रता बड़ी भारी है इसके हिरदे विच। तेह बिलोक लहना कह बचना। भाई तख्त माल जी नु देख के गुरु अंगद साहब सचे पातशाह महाराज कहन लगे। माधुरता मृदुल जिन रचना। बहुत प्यार है मन दे विच बहुत श्रद्धा भावना है मन दे विच तख्त मल दे उसनु क्या सचे पातशाह महाराज ने। मत विशाल गल मिले आए। चौधरी जी मत्था टेक के पिछे ना हट जावो थोड़ी मत बड़ी उची है अगे आओ मैनू गले लग के मिलो। बंधन कर क्यों बैसो जाए। ते पिछे ही मैनू मत्था टेक के क्यों पिछे हट के बैठ गए हो। सब नर मह तुम अधिक बडेरे। क्योंकि जिन्ने भी लोग आए हुए इन्हां सारियां विचों हर तरह नाल तुसी बड़े हो। मनोज ग्राम अनुसार सो तेरे। और तुसी चौधरी हो पिंड दे सारा नगर थोड़े हुक्म दे विच चलदा है। उचा पद को पाए निमाए। तुसी पदवी तां उची थोनू रब ने दित्ती है पर उची पदवी दे नाल निम्रता बड़ी भारी तुहाडे हिरदे दे विच है। उत्तम से जग बिखा गिनाए। ते इस तरह जेड़े उत्तम लोकां दियां निशानियां गिणियां जांदियां हैं जानियां जांदियां हन ਉਹ ਉੱਤਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਲ ਕੋ ਪਾਏ ਤਰਵਾਰ ਜੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤਖਤ ਮਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਖਾ ਝੁਕੈ ਧਰਨ ਪਾਰ ਸੋਏ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਕੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿ ਚੌਧਰੇ ਦੁਆਕਾਰ ਜੋਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਚਨ ਕਹੇ ਅੱਗੋਂ ਚੌਧਰੀ ਤਖ਼ਤ ਮਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਮ ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਤਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਯ ਮੋਰੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੇ ਟਿਗ ਚਿਰ ਕਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਰਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ ਸੇਵ ਵਿਸਾਲਾ। ਨਿਰੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕੀਚੇ ਸਾਧਗੀ ਉਪਜੇ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਧਾ ਪਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਤ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ
ईरखा दुबधा दवैश तो उपर रहना यह जे बचना सुने अण सुने कर देना। महाराज दे कहिंदे साध संग अजर सहे, साधु की संगत दे विच तां जे कोई बोल कबोल भी कर जाए जिहड़ा नहीं भी चलण वाला जरन वाला उन्हों भी जरन शक्ति दे विच जरे। जे साधु कोई ताकत दे देंदे है शक्ति दे देंदे है तो शक्ति नूं भी जर के रखे। इस वास्ते साधुआं दी संगत दा तां ही लाभ है। संगत की चै साध की उपजे आत्मा ज्ञान, कलगीधर पातशाह जी सर्वलोक प्रकाश ग्रंथ साहिब विच कृपा करदे। साधुआं दी संगत करन दा बड़ा ही लाभ है, बड़ा भारी लाभ है। सो इस वास्ते कहण लगा चौधरी तख्त मल सच्चे पातशाह महाराज, तुसी महापुरशां दे पास रह के आए हो, उन्हां दे पास रह के सेवा कीती है। महापुरख के पै समाना आदे, तुसी महापुरखां दा रूप हो गए। गुरु नानक पातशाह महाराज दी सेवा करन करके तुसी गुरुआं दा ही रूप बन के आए हो करतारपुर साहिब तो। तुमको पूजन मैं पल जाना, इस वास्ते महाराज मैं तुहानू सेवन पूजन करन विच ही अपना भला जाणिया है, मत्था टेक के इसे वास्ते पिछे हट गया है कि तुसी गुरु नानक पातशाह महाराज दा रूप हो के आए हो, ते मैं हुण अगे हो के थोड़े गल मिलना योग नहीं समझदा हाँ अपने आप नू। घर सो मिलन योग अब नाहे, ए महाराज भला नहीं है मेरा थोड़े गले लग के मिलना। सेवा करन ठाटो मन माहे, इस वास्ते सच्चे पातशाह महाराज मैं ते थोड़ी सेवा विच हाजिर हाँ, निम्र भाव दे विच आया होया हाँ। सुन श्री लहणा हरख उपारे, ये बचन बाबे लहणे जी ने गुरु अंगद पातशाह महाराज ने सुने तख्त मल दे, मन बड़ा प्रसन्न होया। खुश अधिक तेह उपर तारे, तख्त मल उपर बड़िया खुशियां कीतियां सतगुरु गुरु अंगद पातशाह महाराज ने। कहो बचन तो आत व्यर्थ होवा है, गरीब नवाज कहन लगे ए चौधरी भी बड़ा सियाणा बचन कीता है तुसा ने, बहुत सियाणियां वाला बचन बजुर्गां वाला बचन कीता है, ते असी कहने हैं भी तुहाडी उम्र भी लंबी होवे, बड़ी बजुर्गी भोगो दुनिया दे विच। सतगुर पावै सब दुख खोवा है, आते सतगुरु गुरु नानक साहिब तुहाडे ते तख्त मल जी कृपा करन, थोनू जीवन दे विच कदी कोई दुख ना आवे। पाए सदन महे सर्व पदार्थ, आते जो दुनियावी गृहस्थ दियां लोड़ां वास्ते पदार्थ है वह भी थोड़े घर दे विच कोई कमी नहीं रहेगी। जाए परलोक होए करतारथ, आते जद आ संसार छड के अगली दुनिया दे विच जाओगे परलोक गमन करोगे ओदे विच भी थोनू महामुक्ति की प्राप्ति होवेगी, निरंकार दे चरणा विच अभेदता मिलेगी। तब ते तेह निकेत के माहे, ते तदों तक अपने घर विच केसो वास्ते के कमते नाहे, तुसी आनंद माणो थोड़े घर विच कोई किसे तरह की कमी नहीं रहेगी। करने भगत हृदय मह जागे, क्योंकि ये तख्त मल जी थोड़े को पूर्व जन्मां दे कर्म जागे है, जिहड़ी तुसी भगती कीती सी ओह भगती दा कारनामा करनी जिहड़ी है हुण ओहदा बीज ओह उंगरिया थोड़े हिरदे दी धरती विचों। सतगुर नाम संग लेव लागे, क्योंकि जिहदी नाम नाल सुरती जुड़दी है ना ओहदे पूर्व जन्म दे कर्म ही उगड़दे है। संगत जी नाम जपना बड़ा औखा, इन्ना ही ज़्यादा औखा, दुनिया का कोई काम औखा नहीं है जिन्ना नाम जपना ते गुरां दी सेवा करनी औखी है। महाराज कहन लगे तुहाडे ते कृपा हुई है निरंकार दी, जिस कारण करके ये थोड़े हिरदे विच नाम जपण दी ललक लगी है, चाओ पैदा होया। बाहरो करत पाए सत पाओ, फिर महाराज ने बड़ा प्यार कीता तख्त मल दे नाल, उस्ताद करहे लेत मुख नाओ, अते बार बार सतगुरु जी तख्त मल चौधरी दा नाउ लै के उसकी शोभा करते हैं, बड़ियाई करते हैं। दोहरा ते छिन बैठो तख्त मल मानव अपर सुब्रंद, इस तरह तख्त मल जी कोल बैठे हुए है होर भी बेअंत संगतां। शब्द उचारियो सत गुरु शरदा हित सुख कंद, सारियां संगतां नूं सुबोधन हो के
जो गुरु नानक पातशाह महाराज ने कृपा की सी, श्री गुरु अंगद साहब गरीब नवाज जी ने शब्द की दात दिती सी, उन्हां शब्दों विचों जो शब्द याद किए हुए है गुरु अंगद पातशाह महाराज ने, वो एक शब्द सुनाउणा कीता। श्री मुख वाक सोहे महला पहला। सोही राग है महला पहला। पहले धन सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज कृपा कर रहे है। संगत जी समय समय कई यह जे बवंडल खड़े कई लोग कर लेंदे आ, बड़ा सोहना टकसाली पाठ महला है, तो कई महिला ही करी जाएंगे महिला पहला। हुण देखो जेडे विद्वान लोग है थोड़ा गुरमुखी का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने ये पता होना चाहिए है कि लिंग ते पलिंग हर भाषा में होंगे ही शी, तो इस तरह मनुख दे संबोधक शब्द अलग है, इसत्री पलिंग जेड़ा उहदा संबोधक शब्द अलग है। जे उत्थे इसत्री वाचक है तो फिर उत्थे महला पहली बोलना चाहिए, महिला पहली, महिला पहला नहीं हुंदा, क्योंकि पहला तो फिर पुरश नाल ही लगेगा ना, महिला नाल तो पहली कहा जाऊगा जां दूजी कहा जाऊगा। इस तरह दिया कई जड़े पंथ दुखी ताकत ने समय समय उभरदिया ने, तो गुरु की संगतों में दुबधा का बीज सुट के तो दुनिया तो तुर जाने ने। इस वास्ते गुरु जड़े हैं वो साध संगत जी महला है, उन्हों का महला महला पहला। पहले सतगुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज कृपा कर रहे हैं, जेड़े शब्द बख्शिश किए हुए गुरु अंगद पातशाह महाराज न, जिन्हों याद कंठ किया होया गुरु अंगद साहब गरीब नवाज जी ने, वो हुण उपदेश बख्शिश कर रहे ने गुरु की संगत न। जिनका भांडे पाओ तिना सवार से। सच्चे पातशाह महाराज कथन कर दे, भाई देखो जिन्हों का शरीर रूप भांडा प्यार दे नाल शुद्ध होया होया है, वो ही सवारिया भांडा जाणिया जांदा है, क्योंकि कोई भी वस्तु बर्तन विच पाउणी होवे भांडे विच रखनी होवे पहला उनू सफा कीता जांदा है, धूप दीप करके बीबियां दुध पाउंदियां काढ़ने विच फिर उनू कढ़ना रख दियां, ते जे भांडा ही साफ ना होवे दुध पा दईए फुट जांदा किसे नहीं कम दा रहिंदा, सारा दुध बेकार जांदा है। जिहदे हिरदे विच भाओ है, जिस हिरदे रूप भांडे विच प्यार है, उसनू गुरु करता सवार दे हन। सुखे करे पसाओ दुख विसार से। जिन्हां दे मन विच भाव है ना, प्यार है गुरां प्रति, निरंकार प्रभु प्रति, मनुखता प्रति, उन्हूं महाराज कहिंदे सारे सुख निरंकार दिंदे है, गुरु सारे सुख दिंदे है, दुख जड़े उन्हूं भोली जांदे हन, दुख दा दारू बन जांदा है। सहसा मूले नाहे सर पर तार से। गुरु कृपा करदे है कोई सहसा मन विच रहण ही नहीं दिंदे ते तार लैंदे है सच्चे पातशाह तार नहारे, ऐस लोक विचों भी रखिया करदे है हर समय अपने सेवक की, आपे राखे आपे नाम जपावै, जय जय काज किरत सेवक तह तह उठतावै, सेवक को निगटी होए दिखावे, जेते कृपा करदे उन्हूं इत्थे भी तारदे हन, ऐ संसार विच भी उहदी रखिया करदे है, ते परलोक दे विच भी वड्डे वकील बन के उस नूं तारदे हन, हर दरगाह का वसीठ। तेना मिलिया गुर आए जिन को लिखिया। ते गुरु की प्राप्ति किन्नू हुंदी है, जिन्हां ने कर्म चंगे कीते, कर्म भले होण करके भाग दी रेख मत्थे ते चंगी वगी होवे, उहनू साध संगत जी पूरे गुरां दी प्राप्ति हुंदी है। अधूरे गुरु ते बहुत फिरदे है, कन्ना मन्ना कुर, तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुर, शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच्चों लै लैंदे है त्रोड़ मरोड़ के, ते कन्ना दे विच मंत्र फूक दिंदे है, ओंकार भी गुरुआं दा है, निरंकार भी, ओम सुंग सतनाम इधरले उधरले टोटके लै के ते मंत्र अपना बना लैंदे है। महाराज कहिंदे जिहदे भाग भले हन उही भांडा सवारिया जांदा, उहदा ही भला हुंदा है, पूरे गुरां दे चरणी उही लगदा है। अमृत हर का नाओ देवै देखिया। ते गुरु फिर दिखिया की दिंदे है, आपां गुरां कोल जाने हैं ते सतगुरु बख्शिश की करते हैं, कहिंदे अमृत वो नाओ जिहड़ा है ना करते पुरख वाहिगुरु दा, वो अमृत है,
अमृत मृत्यु तो रहित करने वाला, ये दीखिया गुरु दिंदे नाम दी जो करते पुरख वाहेगुरु का नाम है जिदे बारे गुरु नानक पातशाह महाराज कृपा करते वाहेगुरु गुर मंत्र है जप हम ये वाहेगुरु मंत्र गुरु नानक साहब जी ने बख्शिश किया है। चार जुग को जाप निरतार वाहेगुरु पद अक्षर चार, ये चार अखरों का जाप गुरु नानक साहब ने मेहर की जिदे उत्ते कृपा सिख दे हुंदी है ओनू दीक्षा ये देंदे है गुरु अपने नाम की निरंकार के नाव की नाव तेरा निरंकार है नाव लईए नरक ना जाइए यह जे नाम दियां दातां देंदे हैं गुरु अपने प्यारियां नूं। चल हे सतगुर पाए भव है ना पेख्या, ते जेड़े गुरुआं दे हुकम दे विच चलदे ने उहनां नूं किसी प्रकार का दुख नहीं झलना पैंदा, कोई तकलीफ नहीं आउंदी, जमण मरण तो मुक्त हो जाते हैं, किसी अगे हाथ नहीं टिटने पैंदे, नीवी नहीं झाकनी पैंदी। जां को महल हजूर दूजे निवा कैस, जेड़े गुरां दी हजूरी विच खलोते है गुरां दे चरणां नूं तकदे है वह इधर उधर नहीं झाकदे। अज जमाना की है साध संगत जी, अपने मतलब वास्ते लोग मड़िया ते भी तुरे फिरदे, अपने मतलब वास्ते मठां ते भी मत्थे टेकदे फिरदे, अपने मतलब वास्ते मसीतां ते भी धक्के खांदे फिरदे, मंदरां दियां टलियां भी बजाउंदे फिरदे, बूबनियां साधां दे कोल जाके मंत्र जंतर भी कराउंदे फिरदे। जिंदे गुरु दी कृपा होवे गुरसिख ते उह अपने गुरां दे चरणां विच हथ जोड़ के खलोता रहिंदा है, उह कहिंदा राज भगावें तां तेरी बड़ियाई, भीख मंगाएं ते क्या घट जाई, इधर उधर नहीं हो झाकदा जिहड़ा गुरु का पूर्ण गुरसिख है। जे ते गुरु कृपा कर देंदे है गुरु इम्तिहान भी वड्डे वड्डे लैंदे है, मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाउं सुभागा कड़ाई जो सड़के मर गया ते महाराज ने जींदा कीता गुरु नानक साहब ने सारियां ही बरकतां, इम्तिहान भी गुरु वड्डे लैंदे है ते जिहड़े इम्तिहानां विचों पास हो जांदे है इधर उधर नहीं झकते, गुरु नौ निधा अठारह सिद्धा बरकत भी दे देंदे है ते दरगाह दे विच भी बाँह दस्तगीर हो जाते ने गुरु। दर दरवाणे नाहे मोले पोछ तैस, इस तरह महाराज कहिंदे जेडे गुरु दे दर दे उते हाजर रहिंदे है गुरां तो बेमुख नहीं हुंदे, उहनां नूं ना इत्थे ही कोई पुछ करदा ते ना अगे ही कोई पुछ करदा, भाव दुखां दी पुछ नहीं हुंदी, इत्थे दुख नहीं आउंदा कोई, अगे जमदूत उहनां नूं पुछ नहीं करदे जिहड़े गुरां दे दर दे सन्मुख हो के रहिंदे हन, गुरां दे हो के रहिंदे हन। छोटा तां कै बोल साहिब नदर जैस, जिहदे उत्ते महाराज दी मेहर हो जांदी है निगाह मेहर दी हो जांदी है उह आप दे तारी जांदा है उहदे बचनां नाल अगे कई तर जांदे, किसे नूं महापुरख वचन करदे गुरु भला करे। मैं बड़े महापुरख देखे साधु नाम तो हुण की लैना है, कोई गुरसिख जावे वो इक्को गुरु भला करे गुरु भला करे, तो गुरु करदे भी क्योंकि उन्हां दे भला गुरां ने कीता होया हुंदा है, इस वास्ते वो जिन्हों कहिंदे गुरु भला करे तो उहदा भला हो ही जांदा है क्योंकि गुरुआं ने उन्हां दा भला कीता हुंदा है, उन्हां दी रसना ते गुरु वसदे। ऐसे बहुत साधु महापुरख जेड़े गुरु दे हो के रहिंदे उन्हां दे रसना ते गुरु वसदे आ ते उन्हां दी रसना तो निकले हुए शब्द पूरे हुंदे हन। कले आणे आप जिस नाहे दूजा मता कोई, ऐसे जिन्हां दा दूजी माती कोई नहीं, इको गुरु दी माती वरतदी है, वह परमेश्वर दे भेजे हुए मात लोग ते आउंदे आ ते परमेश्वर दे बुलावे ते मात लोग तो परलोक विच जांदे हन। ਰਾਹੇ ਉਸਾਰੇ ਸਾਜ ਜਾਣ ਸਭ ਸੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਢਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਜਦਾ ਵੀ ਆਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਗ ਭਗਾ ਕੇ ਢਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇਸ ਨਦਰੇ ਕਰਮ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਉਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਉਂ ਜਪਣਾ ਨਾ ਇਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਦੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਭੜਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਮਨ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਏ, ਇਹ ਟੱਠੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋੜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਉ ਪਾਏ ਤੇ ਛਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਿਨੇ। ਇਹ ਵਾਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਬਿਖੈ ਮਾਤ ਸਭ ਕੇ ਭੇਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕਿਨੋ ਗਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਲਹਿਣਾ ਰਹਿਓ ਕਿਤੇ ਦੇਨ ਭਾਵਨ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਾਵ ਇੱਕ ਛੇਨ ਚੇਤ ਪਰਚਤ ਨਾਹੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲ ਉੜੂ ਉੜੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕਬ ਆਂਗਨ ਕਬ ਬਾਹਰ ਜਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਕੜਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਮਲ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬਿਨ ਅਮਲੇ ਅਮਲੀ ਮਰ ਜਾਈ ਹੈ ਤਿਉਂ ਹਰ ਬਿਨ ਹਮ ਮਰ ਜਾਤੀ। ਐਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰ ਪਦ ਪੰਕਜ ਟੈਗ ਮਨ ਛੋਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਨ ਆਇਓ ਨਿਕੇਦ ਕੇ ਓਰਾ। ਮਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਚੈਨ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨ ਆਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੈਨ ਆਵੇ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਚੇਤ ਚਿਤ ਚਾਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਚਕੋਰ ਦੀ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ, ਜਦ ਸਿਰੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਭਵਾਉਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਵਹਿੰਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਚਕੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਚਕੋਰ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਚਨ ਕਮਲ ਰਹਿ ਅਲਸਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਲਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਨ ਆਪਣੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੱਬ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ, ਸੂਰਜ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ। ਕਿਹੇ ਸੋ ਕਹੇ ਨਾ ਰਹਾ ਉਦਾਸਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਰਤ ਨਾ ਸੋਧ ਔਰ ਕਾਜ ਅਵਾਸਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਾਓ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹੇ ਅਲਪ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪੁਨ ਚਹ ਚੱਲਿਓ ਨਿਗੜ ਗੋਰਪੁਰੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਹੋਇਆ ਮਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਚੱਲੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਹਨ ਸੋ ਮਿਲ ਕਰ ਹਿਤ ਸੰਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਦਿਕ। ਗਮ ਲਿਓ ਪੰਥ ਹਿਰਦੇ ਸਾ ਉਮੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ
सतगुरु गुरु अंगद पातशाह महाराज गुरु नानक साहब जी दे दर्शन करन नूं खडूर साहिब जी तों करतारपुर नूं चाले पा दिते। नर कह रहे रहो कुछ आवरे, नगर निवासियां ने बड़ा किया, बाबा जी रुक जावो ना जावो तुसी होर कुछ दिन रुक जावो। बहु दिन मह आयो निज ठावरे, ते गुरु अंगद पातशाह कहिंदे ना भई मैनूं तां पहलां ही बहुत दिन हो गया, गुरां तों विछोड़ा होया होया कई दिन हो गए, महाराज तो बिछड़ के आया होया हां। यथा योग सब सों कहने के, इस तरह सारे नगर वालियां दे नाल महाराज ने यथा योग प्यार सहित वचन कीते। पहुंचे ओ पुर करतार नजीके, इस तरह चलदियां चलदियां गुरु अंगद पातशाह महाराज करतारपुर साहिब दे पास पहुंच गए। जाए दर्श देखो सुखदाए, जाके सारे सुखां दियां दातां देण वाले धन गुरु नानक पातशाह महाराज दे दर्शन कीते। मन बिन फने मनो मन पाए, एहो जी हालत हो गई सी जे दर्शन नहीं सी हुंदे ते मन ऐ तड़फदा सी जिवें सप्प दी मणी गवाच जावे ते सिर कसौंदा धरती ते कट्टा छाणदा सुन दे नाल मर जांदा सिर रगड़ रगड़ के, ते जे मणि मिल जावे ते उहदा जीवन मिल जांदा है। धन गुरु नानक पातशाह महाराज वो मणि हन, धन गुरु अंगद पातशाह महाराज वो सप मित हन, जे सप की मणि गुम हो जाए। अज गुरां ने कृपा की, गुरु नानक साहब जी ने अपने दर्शन दिते है, गुरु नानक साहब जी के दर्शन रूपी मणि गुरु अंगद पातशाह महाराज दे उस सप वांगू मणि गवाचण वांगू दर्शना दी मणि प्राप्त होई, मन प्रसन्न हो रहा है। शरण शरण कहे चरण गहाने, अर्ज कीती महाराज मैं थोड़ी शरण बिच हाँ सरन बिच हाँ मैनू विछोड़ा ना देवो, ऐ कह के गुरु नानक साहब दे चरण पकड़ ले महाराज ने। नमो केन पार दंड समाने, आते जिवें डंडा हुंदा ना डंडौत वंदना कीती सिद्धे लम्मे पै के गुरु नानक साहब दे चरणा ते। पुरखा भला करहे करतारा, बेनतियां कीतियां गुरु अंगद साहब गरीब नवाज ने ते गुरु नानक साहब असीसा देंदे, उठो पुरखा सावधान होवो करतार तुहाडा भला करे। आस कहे टेक बिठाए सतकारा, इस तरह कह के सतगुरां गुरु नानक पातशाह महाराज ने गुरु अंगद साहब जी नूं बड़े प्यार नाल अपने पास बिठा लिया। लहणे तुरन हे चल आयो, ते नाल हुक्म कीता बचन कीता, कहन लगे भाई लैणे आ बड़ी छेती आए हो, रहन निकेत ना क्यों मन पायो, थोड़ा दिल नहीं कीता घरे रहन वास्ते, लोग तां घरां नूं भजदे आ ते तुसी निर्मोह हो गए, थोड़े दिनां विच ही वापस किस तरह आ गए। तुम सब जान हो श्री जगनाथा, गुरु अंगद पातशाह कहन लगे महाराज मैं की दसा, आप जी सारे बचन नूं जानदे हो। आवन रहन नहे मोज हाथा, सच्चे पातशाह ना तां मैं गया आप दी मर्जी नाल ते ना आउणा ही मेरे हाथ विच सी, इह सारा ही तुहाडे हाथ विच भेजिया, तुहाडा गया तुहाडा बुलाया आ गया हाँ। ज्यों पतंग हवा डोर अधीना, कहन लगे महाराज जिवें पतंग अड़ाउंदा है कोई बच्चा ओ डोर दे आसरे ते उड़दी है। चाहे खिडार कर खताब लेना, ओ जड़ा खिडारी हुंदा ना पतंग अड़ाउण वाला, जिधर नूं उहदा जी करे सर देनी डोरी खिच के उधर नूं भजा के लै जांदा है पतंग। महाराज एवें तुहाडे हथ विच डोर है, जिधर नूं थोड़ा मन करदा तुसी खिच लैंदे हो, मेरे बस नहीं है कुछ। आस कहे सेव बिखै मन लावा, इस तरह कह के गुरु अंगद पातशाह महाराज श्री गुरु नानक साहिब गरीब नवाज जी दे चरणा दी सेवा विच जुट पै। देखत दरस रहत हुलसावा, आते महाराज दे दर्शन कर करके मन नूं चाओ चढ़िया रहिंदा है। इत श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथे उतरारधे श्री अंगद प्रसंग वर्णन नाम 48वां अध्याय। सो संगत जी 48वां अध्याय की इत्थे समाप्ति हो रही है। इस 48वें अध्याय दे विच श्री गुरु अंगद साहिब गरीब नवाज जी की सारी कथा आप जी ने सरवण की सीगी, किवें महाराज की आग्ञा हुक्म दे नाल खडूर साहिब नगर नूं गए, किवें गुरां दा विछोड़ा नहीं झल्लिया गया, वापस करतारपुर साहिब आ गए तादक, यह सब आप जी ने
48वें अध्याय दे विच सरवण कीता है। दोहरा साम दाम नेम विराग यम करुणा सात संतोख। अगे 49वां अध्याय आरंभ हो रहा है। मंगल कर रहे ने कवि भाई संतोख सिंह जी, कहिंदे है गुरमुखा ये शरीर है तेरी धरती, ते इहदे विच साम दाम नेम विराग यम करुणा दया ते सत ते संतोख, ये भाव जिन्हें भी शुभ गुण हैं विस्तार करिए लंबा होवेगा, सारे शुभ गुणों का वर्णन है। भाव ये है शरीर धरती है ते शरीर दे विच सारे शुभ गुणा दे बीजां नूं बीजना कर। सतगुर के प्रसाद ते हवै मन माले पोख। गुरु कृपा करनगे तेरे ते रहम करनगे ते तू माली बन, जिवें माली हुंदा है ना बूटियां दी पालना करदा है जोबन लियांदा है फुल्लां ते फलां ते, इसे तरह तेरी शरीर धरती वे जद तू ये शुभ बीज बीज लवेंगा सत संतोख दया धर्म विराग यम नेम आदिक नितनेम जड़ा करना आदिक, ते उन्हां दी पिरत पालना करन वास्ते गुरु तेरी सहायता करनगे। गुरां दे अरजाई कर बेनती कर महाराज कृपा करो, ये शुभ बीज तो मैं धरती विच बीजे है, हुण मैनू हिम्मत देवो इन्हां बीजां नू उंगरिया होयां नू फिर अगे फल लगन तक फल खाण तक मैं इन्हां दी सेवा विच लगा रहा, ऐसियां अरदासां करनियां कर ऐसा कर्म करना कर। चाओ पए शेरे गौर किरखे काज करावहें। हुण अगे कथा आरंभ हो रही है। गुरु नानक पातशाह महाराज खेती का कार्य कर रहे है। अनेक सिख मेल कार कमावहें। ते बेअंत गुरु के सिख गुरु नानक पातशाह महाराज दे पास रहिंदे है, वाही खेती दा नाल काम करवाउंदे हन। होवह आन अतोट केदारा। सारी सृष्टि नूं बनाउण वाले आप गुरु नानक साहिब, उन्हां दे खेतां विच फसल किवें घट होवे कोई कमी नहीं रहिंदी किसे प्रकार दी। खलवाड़े बहु लगे हैं अपारा। आंधी नहीं कहाउंदा बड़े बड़े खलवाड़े ढेर लग जांदा है फसलां दा। दर लाओ कोठे पर कर सारे। इस तरह जिन्हें भी मकान कोठे सारे अनाज दे भर जांदे, घर तो लैके दरवाजे तक सब फसल ही फसल दे ढेर लगे हुंदे हन। देग चलावहें सदा उदारे। पर सतगुरां दा पारण है निजम है, जिन्नी भी खेती आउंदी है एक दाणा भी नहीं विचों बेचना, सारा गुरु के लंगर विच लंगर पका के संगतां नूं छकाउंदे हन। देन लगहे होवत पौन सारा। सवेर अमृत वेले तो लैके शाम तक महाराज दा लंगर चलदा रहिंदा है। जाम निसा लाओ अखोट आहारा। शाम तक ही एक पैर सवा पैर रात रहिंदे तक, जद तक सारे सौंबराज नहीं राही पाती कदों भी आवे महाराज उस नूं लंगर छकाउंदे। लंगर दी बड़ी महानता है साध संगत जी, दुनिया दे विच प्राणा दा अस्थान जेड़ा है वह अन्न नूं मन्निया जांदा है। प्राण जेड़े है अनाज नाल चलदे है, एक कहावत है कहिंदे सारे इंद्रियां दी लड़ाई हो पी हथ कहण असीं कम करदे रहिंदे हां ते पैर कहण मैं कम लई फिरदा, एडी वड्डी लोथ शरीर चक्की फिरदा, अखां कहिंदियां मैं राह विखाउणा तां ही तूं तुरिया फिरदा हैगा, कन्नां ने अपनी भाषा बोली, कहिंदे ढिड निकम्मा इहनूं एवें खाण नूं दिंदे नूं दईए ही ना कख। एक दिन कीता शाम नूं कंब के मंजे ते डिग पिया ढिड दे विच अनाज ना होण करके। सो संगत जी इस वास्ते अन्न का दाता सदा सुखी, जिहड़ा अन्न दा दान कर दान तां सारा ही भला है, किसी के पास बस्तर नहीं नंगा तुरिया फिरदा सियालां दीआं रातां ठुरू ठुरू करदा, उहनूं बस्तर देना भी वड्डा पुन्न, जल छकाउणा पुन्न, इसी तरह अनाज का जिहड़ा है ना वह सारिआं तों वड्डा पुन्न। गुरु नानक पातशाह महाराज ने लंगर की मर्यादा चलाई, आप संगतां नूं पता ही है पिता जी ने भाई बाले नूं नाल भेजिआ सी, जाओ सौदा करके वपार करो, ते केड़ा कीता सी 20 रुपईआं नाल सच्चा सौदा साधुआं नूं लंगर छका के। वह लंगर ही अज हर गुरसिख का घर गुरु नानक का घर, हर गुरु नानक गुरसिख का घर गुरु के घर विचों लंगर ही आया गया नूं प्राप्त हुंदा। कोई सिख इह जिहा नहीं है जिहदे घरे कोई चले जावे ते अगों कोई लंगर पाणी प्रशादा जल पाणी ना छकावे।
ये रीति है गुरु के सिखां दी कि कोई आवे उन्हों कहना भाई पहला जल पानी की सेवा दसो की छकोगे कम कार की गल बाद विच करांगे पहला जल पानी आओ बैठो पियो पानी तिने गल्लां मुल ना वखाणी आओ जी जीव आया नू आओ बह जाओ जल पानी छको कहिंदे इन्हां तिना गल्लां की कीमत ही कोई नहीं जिहड़ा किसे नू जीव आया कहना है बिठाउणा है जल पानी की सेवा करनी इहदी कीमत अंकियां द्वारा अंकी नहीं जा सकती इहदी कीमत की है बेश कीमती है तिने ही कारज। सो इस वास्ते गुरु नानक पातशाह महाराज लंगर चलाउंदे आईया हुई संगतां नू लंगर प्रसाद पैर रात रहिंदे अमृत वेले तो लंगर चालू हो जांदा पैर सवा पैर रात बीते तक महाराज का लंगर चलता रहिंदा है। दूर देश ते नर मेल ब्रंदा बड़ी बड़ी दूर तो लोग संगतां कठे होके आउंदे है महाराज दे पास आवहें दर्श करहें सुख कंदा आण के मुक्ति दे दाते सारे सुखां दियां दातां देण वाले गुरु नानक पातशाह महाराज दे दर्शन करदे हन। ब्रह्मचारी जे विरागे ज्ञाने सो साध संगत जी बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मचारी और इस तरह वैराग मत नूं धारण करन वाले तपे अतीत दिगंबर ध्याने दिगंबर अतीत बड़े बड़े तपस्वी महाराज दे पास आउंदे हन दर्शन करन जोगे पंडित बहु सन्यासे इस तरह जोगी आउंदे है बड़े बड़े पंडित विद्वान आउंदे है अते सन्यासी लोग आउंदे हन महाराज दे पास हिंदू तुरक आवहें गुर पासे इसे तरह हिंदू लोग भी आउंदे है मुसलमान भी सतगुरां दे दर्शन करन आउंदे हन। राय रंक जो तार अभिलाखा इसे तरह की गरीब की अमीर की राजा की भिखारी कोई भी मन विच भावना रख के सतगुरां दे पास आउंदा है दर्शन करहे सो पूरह कांखा ते आण के महाराज दे दर्शन कर दे जो भी मन विच मुराद हुंदी गुरां दे चरणां विच अरदास कर दे गुरु ओही मन दियां मुरादां पूरियां कर